भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर में आयोजित हो रहे इन्वेस्ट राजस्थान समिट को लोक लुभावना बताया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार की अस्थिरता की स्थिति में नए निवेश का आना आसान नहीं है। सरकारी धन से लोक लुभावने विज्ञापन जारी करके बड़े बड़े लोगों को बुलाकर सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट की है उसके ढाक के तीन पात साबित होंगे। मुख्यमंत्री जी का दावा 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, मैं समझता हूँ धरती पर जब सारी बातें आएगी तो पता लगेगा कि इसमें 90% निवेश आएगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में आज सरकार अनिश्चितता के घटाघोप में खुद गिरी हुई है। इस प्रकार के वातावरण में राजस्थान में निवेश कोई करे इसकी संभावना क्षीण हो जाती है, और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के अफसरशाही है वर्तमान में और जिस प्रकार की लाल फीताशाही चल रही है उसके तहत पहले भी जिन लोगों ने अलग अलग समय पर सरकार की नीति इन्वेस्टमेंट नीति के आधार पर एमओयू किया, आज उनको भी अपने उद्योग लगाने के अंदर नाको चबाने चना चबाना पड़ रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि राजस्थान में निवेश का वातावरण नहीं है।